So students, now in this section we are going to talk about the pronunciations. Pronunciation होता है जिसे हम बोलते हैं, accent भी कई लोग इसको बोलते हैं. The correct is जो the word you pronounce, जिस तरह से आप उस words को बोलते हैं. इसमें इस section में हम पहले बात करेंगे difference in British and American pronunciation, क्योंकि अगर हम Indian pronunciation की बात करते हैं so usually हमारा एक neutralized accent होता है. ना तो हम complete British accent बोलते हैं ना हम complete American accent बोलते हैं, but we have a different accent in this case. So पहले in this topic pronunciation हम बात करेंगे कि actually British और American English में बोलने में क्या difference आता है, और इसी section में हम बात करेंगे कि Indian English में जो pronunciations है उसमें क्या क्या problems हैं, क्या क्या correction errors हैं जो हमें करने. So let's proceed. In terms of pronunciation, हम pronunciation को mainly consonants, consonants and vowels में divide करते हैं. अब consonants या vowels क्या होते हैं पहले आप ये समझ लीजिए. वैसे तो English में कहा जाता है कि A, E, I, O and U vowels होते हैं, but ये सिर्फ लिखने में alphabets होते हैं. लेकिन जब हम vowel sounds की बात करते हैं, आवाज़ों की बात करते हैं, तो जिसे हम हिंदी में कहते हैं स्वर, आप लोगों ने जिन्होंने हिंदी पढ़ा है वो जानते हैं स्वर क्या होते हैं. वो हमारे actually vowel sounds होते हैं, जैसे अ, आ, ई, ई, उ, उ, ए, ए, ओ, ओ, अंग, एंड योर र, ऋषि स्र. सो एक्चुअली हिंदी में हमारे ये सारे स्वर होते हैं. इनका प्रोनाउंसिएशन अलग तरीके से होता है, और इसके अलावा जितने भी हमारे वर्ड्स बच गए वो सब हमारे कॉन्सोनेंट्स की कैटेगरी में आते हैं. उनका प्रोनाउंसिएशंस अलग होते हैं. सो पहले हम स्टार्ट करेंगे दी प्रोनाउंसिएशन विद कॉन्सोनेंट्स. कॉन्सोनेंट्स के साथ हम देखते हैं कि किस तरह से हम उसको बोलते हैं, या बोलने में ब्रिटिश अमेरिकन में वो किस तरह से डिफरेंस लाते हैं. सारे कॉन्सोनेंट्स की हम बात नहीं करेंगे, बट देयर आर सम. सो लेट्स स्टार्ट विद द कॉन्सोनेंट्स फर्स्ट. सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्सोनेंट्स की. कॉन्सोनेंट्स सारे कॉन्सोनेंट्स में डिफरेंस नहीं आता है बोलने में, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा. सिर्फ कुछ लिमिटेड कॉन्सोनेंट्स होते हैं जिनको बोलने में डिफरेंस होता है, या उनका प्रोनंसिएशन, द मैनर ऑफ प्रोनंसिएशन इज कम्प्लीटली डिफरेंट इन ब्रिटिश एक्सेंट और अमेरिकन एक्सेंट्स. सो लेट्स लुक इनटू देम एंड स्टार्ट. द फर्स्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है हमारा र, जिसे हम हिंदी में र बोलते हैं. आर हमेशा हमें र की साउंड देता है. अब इसमें डिफरेंस क्या आता है अगर हम पहले अमेरिकन इंग्लिश की बात करते हैं. सो द र इज प्रोनाउंस्ड एट ऑल द पोजिशंस, एट इनिशियल, मिडल या फाइनल. यानी कि जब हम अमेरिकन एक्सेंट की बात करते हैं या अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन की बात करते हैं तो र वो किसी भी जगह पे हो. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहती हूँ रैट, यहाँ पे र हमारा पहली पोजीशन पे है. या अगर मैं कहती हूँ अगर मैं कहती हूँ अरेंज, तो यहाँ पे र जो है हमारा मिडिल पोजीशन में है. और लास्ट में अगर मैं कहती हूँ कार, र मेरा लास्ट पोजीशन में है. सो इन केस ऑफ अमेरिकन इंग्लिश र जो है चाहे वो पहले आए, बीच में आए या आखिर में आए, वो प्रॉपरली प्रोनंस किया जाता है, प्रॉपरली बोला जाता है. लेकिन लेकिन अगर मैं ब्रिटिश इंग्लिश की बात करती हूँ तो र जो है अगर वो किसी वॉवल के बाद आ रहा है, या एंड में आ रहा है, तो उसे हम आर्टिकुलेट नहीं करते हैं. आर्टिकुलेट मतलब हम उसे बोलते नहीं हैं, या बोलते भी हैं तो उसका जो वॉल्यूम लेवल होता है वो इतना कम होता है विच इज़ इक्वल टू ज़ीरो. सो ब्रिटिश में हम उसे नहीं बोलते हैं, और इसे एक्चुअली हम बोलते हैं बी आर पी. बी आर पी मीन्स ब्रिटिश, आर फॉर रिसीव्ड,
and P is for pronunciation. So this is called your British received pronunciation. So British में हम उसे articulate नहीं करते हैं. अब अगर मैं इसको compare करूँ Indian English के साथ, तो हम बहुत flexible हैं. In the sense, हाँ, हम American English को follow नहीं करते हैं in terms of Indian English. करते हैं हम pronunciation में, R के case में we follow British English, but इसमें भी हम अपनी ही कुछ deviations कर देते हैं. यानी कि कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पर हम R को नहीं बोलते हैं, लेकिन कुछ ऐसी जगहें भी होती हैं जहाँ हम R को articulate कर देते हैं. So let's look into some examples ताकि हम बोल के देख सकें और examples के साथ समझ सकें कि किस तरह से ये difference आता है. So let's look into the example. ये आया हमारा initial position, चाहे वो British हो या American हो, वो र को बोलेगा, rain, rubber, Russia, right? लेकिन जब हम एक middle position की बात करते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा था कि British English में अगर आपका र जो है that comes after a vowel, यानी कि अगर वो एक vowel के बाद, देखिए वोवल के बाद आ रहा है, तो उस केस में हम उसे आर्टिकुलेट नहीं करते हैं. बट अमेरिकन्स जो हैं वो उसे आर्टिकुलेट करते हैं, एंड ब्रिटिश दे डोंट आर्टिकुलेट. लाइक अगर मैं ब्रिटिश की बात करती हूँ, अगर मैं, चलिए पहले हम अमेरिकन की बात करते हैं. फर्स्ट वी विल डू दिस. दिल से बर्थ, बर्थ, र का साउंड आपको सुनाई देगा. लाइक टर्न, दिस इज़ योर टर्न. Turtle, you know, there are so many turtles in America. Ah, would you like to go out after your work? Hours work. यहाँ पे आपको really clearly र सुनाई दे रहा है. And very famous shops, you have like Burger King, like burger, it's they'll say burger. And bargain, I would like to bargain on that, right? वहीं पर अगर ब्रिटिश बोलेगा, सो अब आप सुनिए, यूजुअली हम लोग इसको फॉलो करते हैं. वी नॉट से बर्थ, वी से बर्थ, बर्थ. र की आवाज़ जो है वो बहुत ज़्यादा कम है, बहुत ज़्यादा लो है. वी नेवर से बर्थ, बर्थ, वी से बर्थ, बर्थ. टर्न, दिस इज़ योर टर्न, राइट. नाउ नेक्स्ट वुड बी माई टर्न. वी डोंट से टर्न, turn. Can you just turn the page? Turn. Turtle. We don't say turtle. Turtle नहीं बोलते, we say turtle. 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 Work. We don't say work. Work. R की आवाज़ बहुत कम articulate होती है in case of British pronunciation. It's worked. And it's burger. Burger. Not burger. Burger. Bargain. It's not bargain, but bargain. So, ये example थे for middle pronunciations. Let's look forward. Now, we are talking about the final position. जब हम final position की बात करते हैं, American and British. So, in case of American, he'll say other, 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 r, r, r. Clever, r. Director or director. Wrestler, burger, Burger King, merger, 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 right? वो इन सब positions को articulate करते हैं, but actually in case of British pronunciation, वो इसे articulate नहीं करते हैं. Like they'll say other, not other, 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 other person. Clever, he's very clever, he's a very clever person, clever, not clever. इंडिया में अनफॉर्चुनेटली लास्ट के केस में नॉर्मली हम र को बोलते हैं. उस केस में ज़्यादातर हम लोग जो हैं वो यहाँ पर इस कैटेगरी में आ जाते हैं. वी से अदर, अदर, अदर पर्सन. क्लेवर, ही इज़ वेरी क्लेवर. बट एक्चुअली ब्रिटिश दे डोंट से लाइक अदर, क्लेवर, डायरेक्टर, रेसलर, बर्गर, बर्गर, मर्जर, मर्जर, मर्जर नहीं बोलेंगे, मर्जर. क्योंकि देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पे बीच में भी आ रहा है और यहाँ पर एंड में भी आ रहा है. सो इट्स डी रे ट, डायरेक्टर. इट्स नॉट डायरेक्टर, डी रे ट. बर्गर, बर्गर. मर्जर, मर्जर, लाइक दैट.
ये आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस से आएगा. मैं समझ सकती हूँ कि बींग इन इंडिया आपके लिए ये चीज़ थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगी प्रोनाउंसिएशन को समझ पाना, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसे इम्प्रूव कर लेंगे. द नेक्स्ट कॉन्सनेंट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज़ ट, टी टी यानी कि ट, हिंदी में जिसे हम ट बोलते हैं. सो इन केस ऑफ दिस टी इज आर्टिकुलेटेड इन द इनिशियल पोजिशन, बट अमेरिकन्स ड्रॉप टी इन द फाइनल पोजिशन. जिस तरह से ब्रिटिश जो थे वो र को आखिरी में छोड़ रहे थे, आर्टिकुलेट नहीं कर रहे थे, उसी तरह जो अमेरिकन्स हैं वो टी को लास्ट में छोड़ देते हैं. स्टार्टिंग में उसे बोलते हैं टेबल, टेबल, टाइगर, टर्न, एंड यहाँ पर वो बोलेंगे दे विल नॉट से कट, दे से खट, खट, वॉट, वॉट, वॉटर नहीं बोलेंगे, वॉट, वॉट, पॉट, पॉट, राइट, खैट, 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 नॉट कैट, खैट. नाउ ये है जब हम वर्ड्स की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर यही एक पूरी लाइन में आ जाएंगे तो उसमें फिर ऑब्वियसली रूल चेंज हो जाएंगे. इन अमेरिकन इंग्लिश ट दैट्स टी सॉफ्ट टर्न्स टू सॉफ्ट ड, ड ड ड ड ड ड दैट्स टी व्हेन इट इज़ बिटवीन टू वॉवल्स और बिटवीन अ वॉवल और र. अब एक तो चेंज आया कि टी एंड में आर्टिकुलेट नहीं होगा इन केस ऑफ अमेरिकन इंग्लिश. दूसरा डिफरेंस ये है कि जब हम बीच में बात करते हैं, अगर हमारा ट जो है ट वो सॉफ्ट ड, सॉफ्ट का मतलब है ड, ड नहीं, ड ड सॉफ्ट ड बन जाता है अगर वो दो वॉवल्स के बीच में आता है या एक वॉवल या एक र, र के बीच में आता. लाइक अब अगर हम यहाँ देखते हैं लाइक टी दिस ट, ये ए के अ और यू के बीच में आ रहा है, यहाँ पर हमारा अगेन आ रहा है, अगेन हेयर, हेयर, हेयर ऑल्सो यू सी हेयर. अब देखिए ये पहले था हमारा वॉट, वॉट, अब ये हो गया हमारा वॉट अबाउट. अब देखिए ये भी एक वॉवल है, ये भी एक वॉवल है और इसके बीच में हमारा एक टी आ रहा है. तो देखते हैं अब मैं ब्रिटिश विल से सैटरडे, 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 नेगेटिव, वाटर, 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 राइट, भाटर, कंप्यूटर, व्हाट अबाउट. लेकिन अमेरिकन इसे बोलेगा सैटरडे, सैटरडे, ड ड ड, इट्स नॉट सैटरडे, इट्स सैटरडे, 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 राइट, सैटरडे. इट्स नॉट नेगेटिव, इट्स नेगेटिव, नेगेटिव, ड ड, नेगेटिव. My blood group is AB negative, negative, not negative, negative. It's water, it's not water, it's water, water, the water, water. It's not butter, it's butter, 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 right? Or if I say, ah, you better do understand. Do you understand? You better understand, better, the, better, better, understand. कंप्यूटर नहीं है, इट्स कंप्यूटर, कंप्यूटर, ड ड ड, कंप्यूटर, कंप्यूटर. व्हाट अबाउट, ये हो गया व्हाट अबाउट, व्हाट अबाउट, व्हाट अबाउट, राइट. सो अभी हमने देखा, अभी हमने दो वर्ड्स में देखा, एक हमने देखा र में चेंज और दूसरा हमने देखा ट में चेंज. र जो है वो ब्रिटिश प्रोनंसिएशन में वो आर्टिकुलेट होता है और नहीं भी होता है, आई मीन लास्ट में और बीच में वो आर्टिकुलेट नहीं होता है. वहीं पे अगर हम ट की बात करते हैं तो वो अमेरिकन इंग्लिश में लास्ट में आर्टिकुलेट नहीं होता है और जब हम दो वॉवल्स के बीच में या कभी अगर किसी एक वॉवल या र के बीच में आ जाता है तो उस केस में वो सॉफ्ट ड बन जाता है, ड. ट टर्न्स टू ड, ड जो है वो ड बन जाता है.
इसके अलावा जब हम ब्रिटिश अमेरिकन इंग्लिश की बात करते हैं, समटाइम्स कभी कभी जो ट है वो हम ड्रॉप कर देते हैं, मतलब हम उसे नहीं बोलते हैं अगर वो हमारा एन को फॉलो करता है, जैसे यहाँ है इन इन टर नेट नहीं बोलेंगे, विल से इनर नेट इनर नेट इनर नेट, ट जो है वो ड्रॉप कर देंगे हम यहाँ पे इनर नेट, और सेनर इट विल नॉट से सेंटर सेनर, इंटरव्यू इट्स इनर व्यू इनर व्यू इनर व्यू। अब आप सोचेंगे इनर का मतलब तो अंदर है, इनर इनर मीन्स अंदर, इनर व्यू आपका अंदर का क्या व्यू है, लेकिन ऐसा नहीं होता। एक अमेरिकन जो है, जैसा हमने बात किया था स्टार्टिंग में कि टू बी टेबल का एक अलग मतलब था इन केस ऑफ अमेरिकन इंग्लिश एंड इन केस ऑफ ब्रिटिश इंग्लिश, तो जब ये बोला जाएगा बाय एन अमेरिकन ऑब्वियसली इट विल हैव अ डिफरेंट मीनिंग्स। चलिए अब हम बात करते हैं डिफरेंट सम अदर वर्ड्स इन केस ऑफ प्रोनंसिएशन। प्रोनंसिएशन के ही कुछ और वर्ड्स के बारे में हम बात करते हैं, जैसे कि यहाँ हम बात करेंगे ब्रिटिश की और यहाँ हम बात करेंगे अमेरिकन की। सो इस वर्ड को ब्रिटिश बोलता है जी जेड 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 एंड अमेरिकन विल से जी ए बी सी डी ए टू जी, राइट, जी जी टी वी वाला जी प्रोनंसिएशन जेड। दिस इज न्यू, राइट, न्यू, आई बॉट न्यू हाउस, इट्स न्यू न्यू न्यू, इट्स न्यू न्यू, इट्स न्यू। दिस इज अडल्ट adult, this is adult, 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 ah, adult, this is adult। अब देखिए किस तरह से प्रोनंसिएशन में डिफरेंस आ रहा है, वर्ड्स वही हैं, स्पेलिंग्स वही हैं, बट उनके बोलने का तरीका अलग अलग है। लाइक दिस इज गराज गराज एंड दिस इज गैरेज गराज गैरेज। दिस इज एड्रेस दिस इज एड्रेस दिस इज एड्रेस 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 एड्रेस। देखिए मैं इसलिए हिंदी में लिख रही हूँ क्योंकि शायद आपको मेरे बोलने में डिफरेंस समझ ना आए या आपको पता इतनी अच्छी तरह ना चल पाए, इसलिए मैं आपको ये वर्ड्स हिंदी में लिख के दे रही हूँ ताकि एटलीस्ट आपको स्पेलिंग में बोलने में डिफरेंस पता चले। दिस इज रूट, राइट, रूट एंड दिस इज राउट राउट। दिस इज एडवर्टाइज meant and this is advertisement advertisement this is apricot this is apricot This is leisure and this is leisure and this is leisure। अब ये बहुत कॉमन वर्ड्स हैं, इसमें भी हम डिफरेंस हैं। ये है हमारा either और अमेरिकन्स बोलते हैं इसे either। ये है हमारा neither an american say it's neither, right। देखिए अब हमने मैंने आपको इसकी प्रोनंसिएशंस जो है हिंदी में लिख दी इन केस ऑफ
British English here and in case of American English here. तो चलिए एक एक करके हम बोलते हैं. पहले हम अमेरिकन से शुरू करते हैं. इट्स जी न्यू एडल्ट गैरेज एड्रेस राउट एडवर्टिजमेंट एप्रिकॉट लीजर ईदर एंड नीदर. वहीं पे हम अमेरिकन्स की बात करते हैं. जेड न्यू अडल्ट गराज एड्रेस रूट एडवर्टाइजमेंट एप्रिकॉट लेजर आइदर नाइदर. अक्सर मेरे स्टूडेंट्स जो हैं वो इन वर्ड्स के लिए उन्होंने मुझसे कई बार पूछा कि मैम आइदर और ईदर में या नाइदर और नीदर में क्या फ़र्क होता है. सो फ़र्क यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है इन वर्ड्स की प्रोनंसिएशंस के साथ. फ़र्क कुछ नहीं है. इंडिया में क्योंकि जैसे मैंने आपसे कहा था कि क्योंकि हम ब्रिटिश के अंडर रहे हैं वी फॉलो द ब्रिटिश प्रोनंसिएशन सिस्टम और बिकॉज ऑफ द कमिंग ऑफ योर केबल कल्चर वी हैव स्टार्टेड यूजिंग द अमेरिकन इंग्लिश इन टर्म्स ऑफ योर स्पीकिंग और राइटिंग. नॉट राइटिंग आई विल से बट स्पीकिंग मोर ऑफ दैट. तो इसलिए हम आइदर भी बोल देते हैं और ईदर भी बोल देते हैं. हमारे लिए इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है. वी डोंट हैव एनी डिफरेंस इन दैम. सो अब हम बात करने वाले हैं वोवल्स के बारे में कि किस तरह से हम वोवल्स चेंज आता है इन केस ऑफ प्रोनंसिएशन इन केस ऑफ ब्रिटिश एंड अमेरिकन इंग्लिश. सबसे पहले हम बात करते हैं आ साउंड की. अब आ साउंड यहाँ पर हम बेसिकली बात कर रहे हैं अल्फ़ाबेट ओ की जो एक्चुअली अमेरिकन इंग्लिश में आ साउंड देता है. सो इन अमेरिकन इंग्लिश देर आर मैनी वोवल्स दैट हैव द लेटर ओ राइट. ये जो वोवल है हमारा ये आता तो ओ है लेकिन हम जैसे अकेले को ओ बोलते हैं लेकिन जब ये वर्ड में आता है अमेरिकन इंग्लिश में तो वो उसे ओ नहीं बल्कि आ बोलते हैं. जैसे कि फादर यहाँ पे आपको आ का आवाज़ आ रहा है लेकिन अमेरिकन में वो ओ का ही साउंड देता है. उसमें कोई डिफरेंस नहीं आता है. लेट्स लुक इनटू द एग्जांपल्स फॉर दिस. जैसे कि अगर आप यहाँ पर वर्ड्स देख रहे हैं वर्ड्स हैं हमारा अके. यहाँ पे हम बात करते हैं ब्रिटिश इंग्लिश की और यहाँ अमेरिकन की कर लेते हैं. सो यहाँ पर ब्रिटिश इसे बोलेगा हॉट. ओ माई कॉफ़ी इज़ हॉट. American will say my coffee is hot. I like hot coffee, hot. Na ki hot. It's mom, right? Mom. He will say mom. Ye yahan par aa ki awaaz aata hai. Aa, mom, right? It's top, on top of the world. He'll say on top, on top of the world. This is honest. He is a very honest person. He'll say he is a very honest. This is coffee, and this is coffee. हिंदी वाला काफ़ी मत समझेगा. दैट बहुत है. काफ़ी है. इट्स नॉट काफ़ी, इट्स काफ़ी राइट. सो यहाँ पर देखिए जब हमने देखा कि इन केस ऑफ ओ अमेरिकन इंग्लिश में ये हमें आ का आवाज़ देता है वहीं पर ये हमें ब्रिटिश इंग्लिश में ओ का ही आवाज़ देता है राइट. एग्जांपल्स आपने देखा हॉट, मॉम, टॉप, Honest, coffee, और वहीं पे एक अमेरिकन इंग्लिश में बोला जाएगा hot, you know, I need a hot coffee, mom, is that your mom? Oh, I'm feeling on top of the world, be honest with me,
राइट. सो इस तरह से ही आप अपना प्रोनाउंसिएशंस चेंज करते हैं, सेम वर्ड बट गिव्स यू डिफरेंट प्रोनाउंसिएशंस. अगला है हमारा र साउंड. र अमेरिकन इंग्लिश में र ऋषि नो र जो होता है ये साउंड होता है, बट ब्रिटिश इंग्लिश में र नहीं होता है, र साउंड नहीं होती है. लेट्स लुक इनटू द एग्जांपल्स. दिस इज योर ब्रिटिश, दिस इज अमेरिकन, दिस इज गर्ल. गर्ल र की आवाज़ जो है वो बहुत साइलेंट है, गर्ल. अब देखिए यूजुअली हम लोग जब ऊपर लगाते हैं सो वो हम लगाते हैं फॉर अ हाफ साउंड और अ वेरी स्मॉल साउंड, राइट. लेकिन जब हम लिखते हैं यहाँ पर आपको र क्लियरली नज़र आ रहा है, इट्स गर्ल, गर्ल. दिस इज फर्स्ट, फर्स्ट. First, this is first, this is hurt, hurt, this is your hurt, this is person, it's not person, it's person. Person, it's person. This is your worst, this worst. This is your world, this is your. राइट. सो ये डिफरेंस आ रहा है हमारा इन केस ऑफ ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन एंड अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन. ये हम पहले भी देख चुके हैं इन केस ऑफ र, बट यहाँ पे ये र नहीं है, र है. गर्ल, फर्स्ट, हर्ट, पर्सन, वर्स्ट, वर्ल्ड. अब हम बात करने वाले हैं मेजर डिफरेंसेस या प्रॉब्लम्स इन केस ऑफ इंडियन इंग्लिश, राइट. अब हम बात करेंगे कि किस तरह से इंडियन इंग्लिश जो है वो ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश से डिफरेंट होती है, या इंडियन इंग्लिश में क्या प्रॉब्लम्स होती हैं. सो लेट्स लुक इनटू दैट. सबसे पहले हम बात करते हैं कॉमन मिस्टेक्स की जो यूजुअली हम इंडियंस करते हैं, लाइक एन ईयर. देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इस साइड में जो हम गलतियाँ करते हैं, और इस साइड में हम बात करने वाले हैं जो चीज़ एक्चुअली सही है. लाइक एन ईयर, अक्सर हम कहते हैं यूजुअली देयर आर 365 डेज इन एन ईयर. इट्स नॉट इन एन ईयर, इट्स इन अ ईयर. देयर आर 365 डेज इन अ ईयर, नॉट इन एन ईयर. प्लीज़ ध्यान रखिएगा, अक्सर आप सुनेंगे लोग ये गलती करते हुए. देन द सेकेंड मिस्टेक इज़ पीपल से आई एम डूइंग योगा, और यू शुड डू योगा टू कोप अप विद द वर्क प्रेशर. इट्स कोप अप नहीं होता, इट्स कोप विद होता है. यू शुड डू योगा टू कोप विद योर वर्क स्ट्रेस और कोप विद योर वर्क प्रेशर. Then many people say, ah, many a times, you know, I have seen him or her in this shop. It's never many a times. ये गलती है हमारी. आप ये बोल सकते हैं many times, इसमें आप many a times नहीं लगाएंगे. You will say many times I have seen him her here, very often I have seen her, often I have seen her, or regularly I have seen her in this shop or visiting this shop. सेकेंड मिस्टेक जो बहुत कॉमन है लोग करते हैं, इट्स रिवर्ट बैक और रिप्लाई बैक. अक्सर आप ये मिस्टेक देखेंगे इन केस ऑफ ईमेल राइटिंग्स एंड ऑल. प्लीज़ रिवर्ट बैक फॉर
any clarifications or please reply back as soon as possible. So revert ka matlab ya reply ka matlab wapas jawab dena ya revert ka matlab wapas aana hai. To aapko fir ye word back dobara lagane ki zarurat hi nahi hai. You just have to say please revert for any clarifications or please reply as soon as possible. Not reply back. Please reply to my mail or please reply to the notice. Aap kuch bhi bol sakte hain. बट आप रिवर्ट बैक और रिप्लाई बैक यूज़ नहीं करेंगे. अगर आप कर रहे हैं तो आगे से ध्यान रखिएगा और अगर कोई और भी कर रहा है तो आप उसे भी ये बात बताइएगा. नेक्स्ट इज़ लॉट मैनी और अलॉट मैनी. प्लीज़ लॉट का मतलब बहुत होता है, मैनी का मतलब भी बहुत होता है. अलॉट मैनी भी गलत है. आइदर यू कैन से अलॉट a lot, he has a lot of money, na ki lot many money. Many people, lot of people were there. Lot of people aap bol sakte hain, but lot of many nahi ya lot many nahi. Yani bol sakte hain, great many bol sakte hain ya lot of. Uske baad aap koi bhi cheez noun laga sakte hain. Ah, I hope you're not going to order for a pizza, right? Order for a pizza. Order for, ये गलत है, it's a mistake. You should say I need to order a pizza, not order for a pizza. अक्सर हम लोग ये बोलते हैं let's order for a pizza, right? It's actually order a pizza, not order for a pizza. Then we have is anyways, anyways, anyways नहीं होता, it's anyway. No ways. Will you go there? Ah, no ways. I don't like her. No way. It's not no ways. ये गलत है हमारा, ये सही है हमारा. Kindly. हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं. Kindly revert for any clarification. Kindly do this work. Please don't use the word kindly क्योंकि वो grammatically आपका गलत होता है. You should use the word please. Please. So the next problem or wrong thing that we say is anyways. Anyways, I'm going to do this. So anyways is not right. Anyway is right. Aapko dhyan rakhna padega. No ways. Are you going for his birthday party? No ways. No ways nahi hota. It's no way. No way. Aksar hum mails likhte hain ya kisi ko letter likhte hain. Usse likhte hain kindly do this for me. It's not kindly. Kindly सही नहीं होता. Please आप please use कीजिए. Please. Ear back. Ears back, you know. It's not ears back. Years ago. One of my friend went to Mumbai last year. Or one of my friend got a job in some MNC. It's not one of my friend. One of my friend नहीं होता, one of my friends. मतलब आपके दोस्तों में से एक, दो आपके दोस्त में से एक नहीं, दोस्त नहीं, दोस्तों. So it's one of my friends. Give an exam. I have to give my UGC exam. I have to give my competitive exam. अक्सर हम इंडिया में give बोलते हैं but actually it is take an exam. आप exam देते नहीं हैं, आप exam लेते हैं. I mean question paper लेते हैं और exam करते हैं. Marriage anniversary, you know, last year, you know, last month it was my parents' 25th anniversary. Marriage anniversary, marriage anniversary nahi hota, it is wedding anniversary. So wedding anniversary is correct, not marriage anniversary. Be rest assured. Kai baar official mails mein ya kahin par aapne padha hoga, be rest assured. Be rest assured नहीं होता, it's be assured या rest assured is correct. More better. देखिए यहाँ पर आप दो comparative degrees of adjective use कर रहे हैं, more and better. तो आप ऐसा नहीं कर सकते, आप कहीं भी दो adjective की degrees use नहीं कर सकते. Either you say it's better or even better, और ज़्यादा better है. Then we have is he did a mistake, you did a mistake, right? How did you do this mistake? So yahan par did nahi hoga balki make hoga. How did you make this mistake, right? So yahan par hum baat kar rahe hain miss t
mistake ki how did you make this mistake. देखिए आप सोच रहे होंगे कि ये वर्ड्स मैं क्यों बोल रही हूँ. अक्सर हम लोग ये वर्ड्स गलत यूज़ करते हैं इंडियंस, इसलिए मैंने आपको ये लिस्ट दिया है ताकि आप समझ सकें कि किस तरह से हम मिस्टेक्स करते हैं. चलिए आगे और वर्ड्स देखते हैं कुछ इसी तरह के. कॉल्ड एज, लाइक महात्मा गांधी इज़ कॉल्ड एज द फादर ऑफ नेशन. सो कॉल्ड एज नहीं होता, महात्मा गांधी इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ नेशन. His dressing sense, ये हम use करते हैं, you know, his dressing sense is very bad, he doesn't have a good dressing sense. Dressing sense नहीं होता, it's dress sense, not dressing sense. His dress sense is not good, right? Data is, it's not data is, it's data are, right? Data का मतलब है कि बहुत सारे आपने जो चीज़ इकट्ठी की है हम उसकी बात कर रहे हैं. I want you to emphasize on certain things. Emphasize, not emphasize on. अक्सर लोग use करते हैं emphasize on. That's not correct. So these are the wrong words and these are the right words. All right, all right. It's all right, all right. ये अक्सर आपको बोलने में इतना difference all right and all right में नहीं पता चलेगा, but लिखने में आपको ध्यान रखना पड़ेगा. It's all right. A lot, a lot, a lot. It's a lot. इकट्ठा नहीं होता a lot, बल्कि अलग अलग होता है. There is a gap here. Can you suggest some good shop or some good bakery? Because I need to buy a cake. So it's suggest, not suggest me. अक्सर लोग suggest me use करते हैं. I saw a dream. Yesterday I saw a dream. It's not I saw a dream. I had a dream, right? So यहाँ पर हम saw नहीं बल्कि had use करेंगे in the case. I wish I was an artist. I wish I was an artist. देखिए जब भी हम कोई wish करते हैं या कोई hypothetical situation use करते हैं तो उस केस में हम यहाँ पर I के साथ was नहीं यूज़ करते बल्कि वर यूज़ करते हैं. आई विश आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री. आई विश आई वर अ स्पोर्ट्स पर्सन. आई विश आई वर एन आर्टिस्ट. देयर आर सम अदर ग्रामर मिस्टेक्स जो लोग अक्सर करते हैं. मैनी पीपल इन इंडिया ट्रांसलेट द सेंटेंसेज लिटरली फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश. प्लीज़ बहुत सारे लोग हैं जिनको शायद इंग्लिश में प्रॉब्लम है या दे आर नॉट वेरी कम्फर्टेबल इन इंग्लिश. वो क्या करते हैं, वो हिंदी से इंग्लिश में एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट कर देते हैं. जैसे What is your good name? क्योंकि हम हिंदी में कहते हैं आपका शुभ नाम क्या है, right? Immediately आप उसे word to word literally English में translate कर देते हैं. What is your good name? देखिए please मानिए कि नाम कभी भी अच्छा या बुरा नहीं होता, right? अगर मुझसे कोई कहता है मैम can I know your good name please, मैं कहूँगी मैं अक्सर ये कहती हूँ sorry I don't have a good name, I have a bad name. So it's not a good name. आप उसे ये बोल सकते हैं what is your name, but don't say what is your good name. I have a doubt, right? मुझे कुछ doubt है. So I have a doubt. You can say I doubt or I have some issue. You don't say I have a doubt or real brother sister. सगे भाई बहन, right? तुम्हारे कितने सगे भाई बहन हैं. हिंदी में मैं ये नहीं कह रही कि आप ऐसा बोलते होंगे, बट मैं एक जनरल स्टेटमेंट की बात कर रही हूँ जो अक्सर लोग यूज़ करते हैं. रियल ब्रदर सिस्टर, इट्स जस्ट ब्रदर सिस्टर, इज़ नॉट रियल और स्टेप और हाफ ब्रदर सिस्टर, इज़ जस्ट ब्रदर सिस्टर्स. After that, many people, they use Hindi fillers. Hindi fillers means the words, Hindi words in English language or in English sentences. Example,
I went there though. This is not to, but though. I went there though. I could not meet her. अब देखिए तो जो है आप यहाँ use कर रहे हैं basically ये तो हिंदी का word है जिसे आप English में use कर रहे हैं. तो आपको क्या लगता है कि अगर आप ऐसा कुछ words use करेंगे तो सही होगा? आप note करेंगे around 80% or 70% people इन इंग्लिश, आई मीन इन इंडिया, अगर वो इंग्लिश बोल रहे हैं तो वो बहुत सारे हिंदी फिलर्स यूज़ करते हैं, जिनमें से तो, ना एंड की बहुत कॉमन वर्ड्स हैं. लाइक आई एम टेलिंग यू ना, आई वेंट देयर ना, यू वांट टू, आई एम आस्किंग यू ना, वुड यू लाइक टू हैव कॉफ़ी ना. सो इस तरह से बहुत सारी जगह पर वो ना को यूज़ करते हैं. द मूवी वॉज सो स्कैरी कि आई जस्ट स्क्रीम्ड. मूवी इतनी डरावनी थी कि मैं चीख पड़ी. सो हेयर यू आर यूजिंग द वर्ड की. सो इंडिया में जो मेन मिस्टेक्स हमने देखा ग्रामर में लोग करते हैं, पहला वो लिटरली वर्ड टू वर्ड हिंदी से इंग्लिश में चेंज कर देते हैं, एंड सेकेंड दे यूज लॉट ऑफ हिंदी फिलर्स वाइल स्पीकिंग इंग्लिश. Apart from that, another problem in India is many people, they shorten the words. वो words को छोटा कर देते हैं, right? जैसे कि deaf call. Deaf call क्या है भाई? Defense colony. I'm sorry to say, but Delhi में एक जगह है defense colony. So कई लोग उसे deaf call बोल देते हैं. एक बार हमारे neighbor हैं, उनकी बेट, you know my college is in deaf call. I was confused कि भैया ये deaf call कौन सी जगह है, भाई मैंने तो कभी सुनी नहीं. Then later on, you know, I got to know, I asked the name of a college and then when I checked on the net, I found, oh God, it is in the defense colony. So defense colony means deaf call, जो shorten कर देते हैं. Fundas, what do you mean by fundas? Fundamentals, you know. You know what are the fundas of driving the car? Funda means fundamentals. The basics, fundamentals basically. Enthu hi nahi hai uske andar. Enthu means enthusiasm, right? Enthu means enthusiasm. So India mein ye bhi ek problem hai ki log aksar words ko short mein use karte hain, aur agar aap yahi cheez ek foreigner ke samne bolenge, he will not understand. Other common errors या mistakes ये होती हैं, like has Rohan showed you his new car? अब यहाँ पर देखिए मैंने use किया has Rohan showed you his new car? अक्सर लोग इसमें गलती करते हैं, has have यानी कि perfect tense के साथ उनको verb की third form use करनी है. So has Rohan shown you his new car होना चाहिए था, ना कि showed you. Sue has began the speech before we reached there. So it's not began, क्योंकि has have है तो यहाँ पर perfect tense में हमेशा verb का past participle form आता है. So Sue has begun, ना कि began. She is having long hair. देखिए जब भी हम किसी statement या किसी के बारे में कुछ बात बताते हैं कि किसी के पास कुछ है या, तो उस केस में हम पोजेशन के केस में हम हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस के बारे में यूज़ करते हैं, ना कि कॉन्टिन्यूस टेंस. सो शी हैज़ लॉन्ग हेयर और आई हैव अ न्यू कार और आई हैड अ मर्सिडीज, राइट? जब भी हम पोजेशन की बात करते हैं, पोजेशन शो करते हैं, उस केस में हम हमेशा योर सिंपल टेंस को यूज़ करते हैं. इट कैन बी प्रेजेंट और पास्ट. आई एम लिविंग इन दिल्ली सिंस माई बर्थ. देखिए यहाँ पर जब भी हम सिंस या फॉर लगाते हैं तो ये हमारे सेंटेंसेस होते हैं जो कि हमारे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के सेंटेंसेस होते हैं. सो उस केस में हम कॉन्टिन्यूस नहीं, बट हम आई हैव been living in Delhi since my birth, मतलब मैं जब से पैदा हुई हूँ अपने जन्म से मैं दिल्ली में रहती आ रही हूँ. I यहाँ पर होगा I have been, we have been working in this company for 3
years. ये sentences perfect continuous के होते हैं, लोग ध्यान नहीं देते और इसमें सिर्फ continuous tense को use कर देते हैं. जब भी perfect continuous होता है, जब भी आप ये बताते हैं कि कोई काम आप कर रहे हैं तो कितने वक्त से, कितने समय से कर रहे हैं, ये एक अलग से एक बेसिक और कॉमन एरर है जो लोग अक्सर इंडिया में करते हैं. हो सकता है कि कुछ लोग ये एरर कर रहे हैं, कुछ ये कर रहे हैं, कुछ ये. मैं ये नहीं कहूँगी कि एक ही आदमी ये सारे मिस्टेक्स कर रहा है, बट कर रहे हैं समवेयर डाउन द लाइन. We could not find the book nowhere. This is another kind of example. There isn't no cake left. देखिए, आप एक sentence में दो negatives use नहीं कर सकते. We could not. Not अपने आप ही एक negative है. Find the book nowhere. फिर यहाँ पर आप nowhere use कर रहे हैं. यहाँ होना चाहिए था anywhere. यानी कि आप एक sentence में दो negative use नहीं कर सकते हैं. This is another problem. There isn't, यहाँ पर आएगा एनी केक लेफ्ट. देयर इजंट एनी केक लेफ्ट. हेलो प्रकाश, हेलो मिस्टर प्रकाश, हाउ आर यू, प्लीज़ मीट मिस्टर गोविंद आर न्यू मैनेजर. ये एक और मिस्टेक है जो इंडिया में लोग अक्सर करते हैं, और वो मिस्टेक ये है कि हम फर्स्ट नेम के साथ मिस्टर लगाते हैं, राइट. अक्सर मिस्टर जो है वो आपके लास्ट नेम के साथ लगता है, ना कि फर्स्ट नेम के साथ. जैसे मान लीजिए प्रकाश का नाम है मिस्टर प्रकाश दुबे, सो इट विल बी हेलो मिस्टर दुबे, ना कि हेलो मिस्टर प्रकाश. और यहाँ प्लीज़ मीट मिस्टर गोविंद बत्रा, सो आप गोविंद बत्रा बोल सकते हैं या मिस्टर बत्रा बोल सकते हैं, मिस्टर गोविंद नहीं बोलेंगे. सो इट विल बी प्लीज़ मीट मिस्टर बत्रा आर न्यू मैनेजर. ये एक और मिस्टेक है जो बहुत 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 कॉमन है इंडिया में, जो मैंने अक्सर लोगों को करते देखा है. आप फर्स्ट नेम के साथ मिस्टर नहीं लगा सकते, आप हमेशा मिस्टर लास्ट नेम के साथ लगाते हैं. हाँ, लड़कियों के केस में आप मिस रूपाली, मिस शालिनी, मिस भारती बोल सकते हैं. क्यों? क्योंकि अक्सर लड़कियों का इंडिया में और अब्रॉड में भी अक्सर दे चेंज देयर लास्ट नेम. कई बार वो अपने लास्ट नेम चेंज कर लेती हैं आफ्टर द मैरिज. नॉट ऑलवेज, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे चेंज. इसलिए हम उनके नाम के साथ मिस विद द लास्ट नेम नहीं लगाते, बट लड़कों के साथ दे डोंट यूजुअली चेंज देयर लास्ट नेम्स. सो हम हमेशा लास्ट नेम यानी कि उनका फैमिली नेम या सरनेम के साथ लगाते हैं. अनदर काइंड ऑफ वेरी कॉमन मिस्टेक्स जो मैंने लोगों को देखा है बोलते हुए, हेलो माई सेल्फ सोनू, माई सेल्फ, माई सेल्फ ऋतु, यू नो योर न्यू रिसेप्शनिस्ट, राइट. सो माई सेल्फ, अक्सर लोग अपना इंट्रोडक्शन देते हैं. अगर मुझसे कोई बोलता है कि हेलो टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, तो लोग कहते हैं माई सेल्फ सो एंड सो. प्लीज़, दिस इज़ अनदर वेरी कॉमन मिस्टेक जो लोग इंडिया में करते हैं. माई सेल्फ एक हमारा रिप्रेसिव प्रोनाउन होता है जो अक्सर सेंटेंस के एंड में आता है, और जिसका मतलब होता है मैं अपना खाना खुद से बनाती हूँ. कभी आप ये कहेंगे मैं खुद से सोनू हूँ, मैं खुद से आपकी नई रिसेप्शनिस्ट हूँ, नहीं ना. सो ये इंट्रोडक्शन में अगर आप यूज़ करते हैं माई सेल्फ इन द स्टार्टिंग, इन द बिगनिंग, सो इट्स ग्रामेटिकली wrong. This is another kind of very common mistake that people do in India. Then we have is this is your bag. देखिए यहाँ पर अगर मैं this is your bag यहाँ तक देखती हूँ तो ये एक statement है. This is your bag. क्या ये तुम simple statement है, ये तुम्हारा bag है, this is your bag. लेकिन हम उसको India में अक्सर question के form में this is your bag मीन्स क्या ये तुम्हारा बैग है. सो ग्रामेटिकली इट्स रॉन्ग. जब भी सवाल होता है सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट से पहले हमारा हेल्पिंग वर्ब्स जाते हैं, तो होना चाहिए इज दिस योर बैग, इज दिस योर बैग, क्या ये तुम्हारा बैग है. यहाँ पर आप कह रहे हैं ये तुम्हारा बैग है, दिस इज़ नॉट अ क्वेश्चन, दिस इज़ अ नॉर्मल स्टेटमेंट, राइट. लेकिन इंडिया में अक्सर हम उस स्टेटमेंट्स को इंटरोगेटिव फॉर्म में चेंज कर देते हैं क्वेश्चन मार्क लगाकर. लाइक यू आर राहुल, तुम राहुल हो. लेकिन यहाँ पर आप सवाल पूछ रहे हैं तुम राहुल हो, होना चाहिए था आर यू राहुल, क्या तुम राहुल हो. ये एक स्टेटमेंट है, तुम राहुल हो, यू आर राहुल, लेकिन आपने उसे क्वेश्चन के फॉर्म में चेंज कर दिया है.
The second kind of mistake that we usually do these days, mostly the youngsters do, is I bought a new t-shirt for $800. I saw a new phone, it was very expensive, it was for $2,500. अक्सर लोग यहाँ पर बक्स को यूज़ कर देते हैं, लेकिन जैसे बक्स इज़ मेनली यूज फॉर डॉलर्स. प्लीज़ आप इंडिया में रहकर अगर आप कहते हैं कि आई बॉट दिस टी शर्ट फॉर $800, तो मैं ये समझूंगी कि आपने ये टी शर्ट $800 में ख़रीदी है, ना कि ₹800 में. और वो बहुत महंगा था, $25,000 का था, ना कि ₹25,000 का. बहुत सारे यंगस्टर्स जैसा मैंने कहा, सुनकर देखकर वो बक्स 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 सीख लेते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि बक्स एक सब्स्टिट्यूट वर्ड है फॉर डॉलर्स, राइट, नॉट फॉर रुपीज़. आप उसको रुपीज़ के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, जैसे कि इंडिया की करेंसी रुपी है, ना कि डॉलर्स. सो ऑब्वियसली अगर आप इंडिया में चीज़ खरीद रहे हैं, यू आर डूइंग द पेमेंट इन रुपीज़, तो आप उसके लिए बक्स यूज़ नहीं करेंगे, यू विल जस्ट से डॉलर्स और रुपीज़, राइट. इंडिया में आप रुपीज़ कहेंगे, ना कि बक्स. नेक्स्ट टाइप ऑफ मिस्टेक इज़ मी, राम एंड रोहित आर गोइंग टू मार्केट और आई एंड प्रवीण विल जॉइन द मीटिंग. देखिए, हमने यहाँ पर मी या आई, ये हमारा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, ये हमारा सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, फॉर द फर्स्ट पर्सन ऑफ कोर्स यूज़ किया है. यूजुअली हम ऐसा बोलते हैं, आई एंड रोहित आर बेस्ट फ्रेंड्स, सो इट्स रोहित एंड आई आर बेस्ट फ्रेंड्स. हमेशा ये जो हमारे सब्जेक्टिव प्रोनाउंस होते हैं, ये हमेशा आखिरी में जाते हैं. जब भी आप तीन लोगों की बात करते हैं, प्लीज़ ध्यान रखिएगा. सो उसका फॉर्मूला होता है, फर्स्ट इज़ द थर्ड पर्सन, देन इज़ द सेकेंड पर्सन, एंड देन इट इज़ द फर्स्ट पर्सन. आप जो इस्तेमाल करते हैं, पहले थर्ड पर्सन होता है. अगर मान लीजिए राम के साथ रोहित की जगह यू होता, तो होता राम यू एंड आई आर गोइंग टू मार्केट, राइट. सो प्रवीण एंड आई, और आई एंड यू, तो यहाँ पे होता यू एंड आई. तो यू पहले आता क्योंकि यू इज़ अ सेकेंड पर्सन. हेयर इन द लास्ट, हेयर इन दिस स्लाइड इज, इफ़ यू डोंट माइंड कैन आई बोरो योर पेन, राइट, और थैंक यू सो मच. आप बहुत ज़्यादा पोलाइट होने की कोशिश करते हैं, इफ़ यू डोंट माइंड कैन आई बोरो योर पेन. आप सीधा बोल सकते हैं कि कैन आई बोरो योर पेन, आपको इफ़ यू डोंट माइंड बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है. और अगर आपको ज़्यादा सॉफ्ट होना है, पोलाइट होना है, आप कैन की जगह सीधा कुड को यूज़ कर सकते हैं, कुड आई बोरो योर पेन, राइट. इतना पोलाइट, इतना सॉफ्ट होने की कोई ज़रूरत नहीं है. थैंक यू सो वेरी मच, सीधा बोल दीजिए थैंक यू सो मच. वेरी क्यों लगाया, इतना ज़्यादा पोलाइट होने की ज़रूरत नहीं है, बी स्ट्रेट. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सम ऑब्सोलीट वर्ड्स और फ्रेजेज. ऑब्सोलीट का मतलब है समथिंग विच इज़ नो लॉन्गर इन यूज़. कई ऐसी चीज़ें हैं, कई ऐसे वर्ड्स हैं, या कई ऐसे फ्रेजेज हैं जो अब इस समय आजकल हम इस्तेमाल नहीं करते हैं. हाँ, मैं ये नहीं कहूँगी कि पहले नहीं करते थे, ऑफकोर्स पहले करते थे, बट आजकल हम नहीं इस्तेमाल करते हैं. जिसमें से पहला वर्ड है डू द नीडफुल, प्लीज़ डू द नीडफुल, हम नहीं बोलते. आउट ऑफ स्टेशन, माई पेरेंट्स आर आउट ऑफ स्टेशन, नहीं बोलेंगे, आउट ऑफ टाउन बोलते हैं. या बायोडेटा, आप रिज्यूमे बोलते हैं, करिकुलम वाइटे बोलते हैं, बट बायोडेटा नहीं बोलेंगे. क्यों? बायो का मतलब होता है लाइफ एंड डेटा इज डेटा. जब आप अपने बायोडेटा अगर आप किसी इंटरव्यू के लिए भेज रहे हैं, इसका मतलब है उसके अंदर आपको अपने बॉडी स्पेसिफिकेशंस, आपका हाइट कितना है, वेट कितना है, चेस्ट कितना है, मेजरमेंट्स भेजने पड़ेंगे, दैट इज़ योर बायोडेटा. वो अक्सर लड़के लड़कियां शादी के टाइम पे एक्सचेंज कर सकते हैं, बट आप अगर रिज्यूमे आप इंटरव्यू के लिए भेज रहे हैं, तो यहाँ पर आप बायोडेटा नहीं लिखेंगे. यहाँ पर आप लिखेंगे आइदर यू विल राइट रिज्यूमे, और आप CV, या जिसे हम करिकुलम वाइटे बोलते हैं. ऑर्डर फॉर पिज़्ज़ा, जो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, हम ये नहीं यूज़ करते हैं. ऑर्डर फॉर, लेट मी ऑर्डर फॉर अ टी, लेट मी ऑर्डर अ टी, नॉट ऑर्डर फॉर अ टी. ही वॉज ट्राइंग टू एक्ट प्राइसी, एक्टिंग प्राइसी नहीं होता, मीन्स ट्राइंग टू शो ऑफ, यानी कि कोई शो ऑफ कर रहा. ही वॉज एक्टिंग प्राइसी, नो, ही वॉज शोइंग ऑफ, आप बोल सकते हैं. Can you do one thing? Rather than saying can you do one thing for me, you can say can you do a thing for me, can you do something for me,
like that आप इस्तेमाल करते हैं जस्ट लाइक दैट राइट आई वेंट टू लाजपत नगर जस्ट लाइक दैट सो जब आप किसी पर्टिकुलर रीज़न की बात नहीं है तो आप जस्ट लाइक दैट यूज़ नहीं करेंगे पास्ड आउट नो आई जस्ट पास्ड माई हाई स्कूल लास्ट ईयर नॉट पास्ड आउट अल्फाबेट्स अल्फाबेट्स अब हम नहीं बोलते हम बोलते हैं वर्ड्स राइट या कॉन्सनेंट्स या वॉवल्स बोलते हैं बट हम अल्फाबेट्स यूज़ नहीं करते हैं इस वर्ड को अब हम यूज़ नहीं करते हैं Then if we talk about the pronunciations in terms of Indians, South Indians tend to curl their tongue more for L and no sound, right? जो अक्सर South Indians होते हैं वो L और N के लिए अपनी टंग को ज़्यादा रोल करते हैं वहीं पर जो Bengalis या Biharis होते हैं वो अक्सर J, right? Z, Z की जगह पर ज बोल देते हैं राइट वो सब्स्टिट्यूट करते हैं ज दिस इज़ ज फॉर ज राइट तो अक्सर ये बंगालीज और बिहारीज में ये प्रॉब्लम होती है लाइक ज़ीरो ज़ीरो नहीं बोलते वो जीरो बोलते हैं ज यानी कि वो ज की जगह ज बोलते हैं लाइक जिंदगी जिंदगी नॉट जिंदगी नहीं बोलते जिंदगी बोलते हैं एक बहुत पॉपुलर यूपी के आर्टिस्ट हैं भोजपुरी एक्टर हैं रवि किशन जिंदगी झंडबा फिर भी घमंड इट्स नॉट जिंदगी वो जिंदगी बोलते हैं जिंदगी जिंदगी पीपल फ्रॉम सिंध हैव द हैबिट ऑफ चेंजिंग व फॉर व एज इन वैन वो वैन की जगह वैन बोल देते हैं वैन वैन नॉट वैन वैन ऑन वाइस वर्सा I will play with visa, visa, not visa, right? Visa, it's a visa. Then we have some more problems with the people who are from UP, Bihar, Gujarat and some other states. Wo aksar sa ko substitute kar dete hain sh ki jagah par, right? Wo sh ki jagah sa bolte hain, education, it's shun. राइट वो बोलते हैं एजुकेशन ग्लोबलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन इज शन इंग्लिश इंग्लिश सी म्यूजिशियन म्यूजिशियन श पॉलिटिशियन अगैन श रसिया श ये एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है इंडिया में स्पेशली वो लोग जो यूपी बिहार और गुजरात से होते हैं वो अक्सर श की जगह पर स बोलते हैं एंड एजुकेशन इंडस्ट्रियलाइजेशन इंग्लिश श्योर दे लॉन्ट से श्योर श्योर सी म्यूजिशियन पॉलिटिशियन रसिया लाइक दैट दे विल से यहाँ तक कि अगर कोई नाम आता है उसमें भी श की जगह शेखर दे नॉट से शेखर दिल से शेखर सो दिस इज़ अनदर कॉमन प्रॉब्लम विद इंडियन प्रोनाउंसिएशन अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव सम मिस प्रोनाउंस्ड वर्ड्स मिस प्रोनाउंस मतलब हम लोग गलत प्रोनाउंस करते हैं बहुत बहुत सारे हैं बहुत सारे बट मैंने कुछ बहुत कॉमन वर्ड्स यूज़ किए हैं लिए हैं यहाँ पर चूज़ किए हैं लाइक ये है अक्सर लोग बोलते हैं आलमंड्स इट्स नॉट आलमंड्स इट्स आमंड्स 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 आलमंड्स नहीं होता इट्स आमंड्स दिल्ली में अक्सर गर्मियों के बाद बारिशों में मच्छर से एक बीमारी फैलती है लोग कहते हैं डेंगू हो गया डेंगू डेंगू आई गॉट डेंगू ही सफरिंग फ्रॉम डेंगू इट्स नॉट डेंगू हिंदी में आप डेंगू बोल सकते हैं प्लीज़ मैं ये नहीं कह रही कि जब आप हिंदी यूज़ कर रहे हैं वो गलत है बट जब आप सेम वर्ड को इंग्लिश में यूज़ करते हैं लाइक ही गॉट देन आप डेंगू नहीं बोलेंगे द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज डेंगी 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 स्पेलिंग यही है बट मैं प्रोनंसिएशन बता रही हूँ डेंगी दिस इज डोमिनोज वेरी पॉपुलर सो इट्स नॉट पिज्ज़ा इट्स पिज्ज़ा पिज्ज़ा
pizza. The correct pronunciation is pizza. Many people, they drink hot and sour soup. It's not sour. Look, aksar bolte hain hot and sour. It's hot and sour. Sour. Ah, you know, I got free coupon. Coupon. It's not coupon, but it's coupon. 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 Free coupon. अगर आपको पानी का कोई प्रॉब्लम है, नल का टूट गया है, तो आप एक किसको बुलाते हैं, बंदे को बुलाते हैं जो उसे ठीक करता है, उसे इंग्लिश में बोलते हैं प्लम्बर. प्लम्बर, नॉट प्लम्बर. लोग अक्सर इंडिया में प्लम्बर बोलते हैं. द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज प्लम्बर. फिर जैसे मलबा होता है, जैसे हम कहते हैं कोई मकान टूट गया या गिरा दिया गया, तो उसका जो मलबा होता है, लोग अक्सर उसे डेब्रीज बोलते हैं. डेब्रीज बोलते हैं. इट्स डेब्री, नॉट डेब्रिस. डेब्रीज, डेब्री. देन वी हैव इज, जैसे लोग इंग्लिश में, हिंदी में आस्थमा बोलते हैं, इंग्लिश में ब्रोंकाइटिस भी बोलते हैं, और कई लोग अक्सर इंग्लिश में भी उसको आस्थमा बोल देते हैं. सो द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, जैसे डेंगू इंग्लिश में डेंगी बोला जाता है, उसी तरह आस्थमा इंग्लिश में आस्मा बोला जाता है. आस्मा, राइट. देन वी हैव इज एस्प्रेसो. लोग एक्सप्रेसो बोलते हैं. एक्सप्रेसो, एक्सप्रेसो कॉफ़ी देना. इट्स नॉट एक्सप्रेसो, इट्स एस्प्रेसो. एस्प्रेसो इस जैट का मतलब है कि ये जिस तरह लिखा जाता है उसी तरह ही बोला जाता है. देन वी हैज इज डेट. यहाँ पर बी आप देखेंगे साइलेंट है, बी नहीं बोला जाता. डेट, नॉट डेप्ट. हायरार्की, लोग बोलते हैं हायरार्की. अक्सर लोग बोलते हैं हायरार्की, हायरार्की. इट्स नॉट हायरार्की, इट्स हायरार्की. फिर एक वर्ड है हमारा, लाइक लोग अक्सर बोलते हैं वेडनेसडे. प्लीज, इट्स नॉट वेडनेसडे, इट्स वेन्सडे. वेन्सडे. डी इज साइलेंट हियर. वेन्सडे. सो ये कुछ वर्ड्स थे जो हमने देखे जो मिसप्रोनाउंस किए जाते हैं. And with this, we come to an end with our difference in British, American and Indian English. इस पूरे वीडियो को जो हमने डिवाइड किया है, वो बेसिकली डिवाइड किया है हमारा इन टर्म्स ऑफ स्पेलिंग्स, इन टर्म्स ऑफ ग्रामर, इन टर्म्स ऑफ योर वोकैबुलरी एंड देन द प्रोनाउंसिएशंस. आई होप अब आपको ब्रिटिश और अमेरिकन के अलावा इंडियन इंग्लिश में भी डिफरेंस पता चल गया होगा. Thank you so much.